विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को एएनआई के चेयरमैन प्रेम प्रकाश की किताब के विमोचन के दौरान बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुस्तक को लॉन्च करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें भी विभाजन के बाद की उदासीनता का सामना करना पड़ा था, जिसे उनकी पीढ़ी के लोगों ने देखा। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को उन सभी महान योद्धाओं को सैन्य साहित्य महोत्सव 2020 समर्पित किया जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने पंजाब को वीर योद्धाओं की भूमि बताया। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना भी की। उन्होंने करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं को सेना की संस्कृति की झलक पेश करने के लिए एक व्यवहार मंच तैयार करने पर आयोजकों को सराहा। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।